सो हाई एवरी वन, दिस साइड भव्य तनेजा फ्रॉम माई प्रिपे. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इज 70 डेज एनफ टू क्लियर योर आई पी मैट एग्जाम एंड वॉट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड कैसे आपको हैंडल करना है अपना क्वांट्स का सेक्शन बेसिकली इन द लास्ट 70 डेज. तो आज हम बात करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं एंड कैसे आपको यू नो किसके अंदर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है एंड मैनी पीपल एंड मैनी स्टूडेंट्स आर यू नो कन्फ्यूज कि लास्ट के 70 डेज में हम लोग किस पर फोकस करें एंड कैसे स्मार्टली पढ़ाई करें कि हमारा जो बेस्ट आउटकम है वो निकल के आ सके. एंड दैट्स वाई वी हैव मेड टूडेज वीडियो. सो दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड बाई वन ऑफ आर टीम मेम्बर्स एंड आई होप दैट यू विल लाइक इट. एंड इस वीडियो को आप देख लो पूरा, उसके बाद मैं एंड में आपसे एक बार दोबारा मिलूंगा. हे आईपीएम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय प्रेप वे, वे टू योर ड्रीम कॉलेज. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू फॉर योर आईपीएम प्रिपरेशन. सो सबसे पहले, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईपीएम इन जस्ट 70 डेज? वेल, इज इट पॉसिबल? फॉर श्योर गाइज, इट इज पॉसिबल. दीज आर सम स्लाइड्स, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स. अगर आप ये स्लाइड्स पढ़ लेते हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा. इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़ लोगे, यू विल गेट द पैटर्न. दिस इज़ द मेन थिंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. देर आर 21 टॉपिक्स, जिसमें से 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2020 में कितने क्वेश्चन आए थे एंड 2019 में कितने क्वेश्चन आए थे. आई हैव मेड द एनालिसिस फ्रॉम द एक्चुअल पेपर्स ऑफ IIM इंदौर. प्लीज़ रीड दिस चार्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक योर प्रॉपर स्ट्रैटेजी. दीज वर द 21 टॉपिक्स ऑफ मैथ. ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं, ये मैंने एक्चुअल पेपर से लिया है. सो अभी मेन चीज़ पे आते हैं. सो जिन बच्चों को कोचिंग है, सो दोज कैन ईजिली प्रिपेयर. बट फॉर वॉट अबाउट दोज हु आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोचिंग? सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हियर इज़ मेंसुरेशन, राइट? सो आप मेंसुरेशन यूट्यूब पे सर्च कर लेना एंड उसकी जेई मेंस की वीडियो देख लेना, उसमें से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेना. उस वीडियो में जितने टाइप के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके दिए हैं, उन क्वेश्चन को 2 or 3 टाइम सॉल्व कर लेना एंड देन गो फॉर अरुण शर्मा. अरुण शर्मा में डिफ़िकल्टी लेवल 1 एंड डिफ़िकल्टी लेवल 2 वुड बी इनफ एंड दिस इज़ योर आइडियल प्रिपरेशन फॉर दोज हु आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोचिंग. अभी कैसे पॉसिबल है 70 डेज में इतना सारा कवर करना? एंड दैट इज़ इनफ. 6 hour का लेक्चर होता है एंड 6 hour फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस. सो लेट्स अज्यूम कि ईच चैप्टर को आपको 15 hours लगेंगे. सो 15 hours में हो जाएगा. सो अगर आप 15 hours अज्यूम करते हो तो यू विल रिक्वायर 300 to 400 hours to complete your syllabus. And for 70 days, if you study 14 hours for IPM specifically, तो आपके पास 900 hours होते हैं. So उसमें से 300 to 400 hours for completion of syllabus and for first revision. And cutoff was only 20 to 24 for specifically quant. वर्बल के लिए ज़्यादा होता है. सो वर्बल की स्ट्रैटेजी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी. आपकी सिलेक्शन जो होती है वो वर्बल पे डिपेंड होती है. आपको क्वांट्स का तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है. सो क्वांट्स में प्लीज़ स्ट्रैटेजी के लिए चाहिए. डोंट रन फॉर द परफेक्शन, गो स्ट्रैटेजिकली. आप अगर स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं तो यू कैन ईजिली क्लियर द कट ऑफ. सो 20 to 24 मार्क्स है, दीज आर नॉट क्वेश्चन, दीज आर मार्क्स. सो 4 marks फॉर ईच क्वेश्चन है. सो ओनली 6 questions, राइट? 6 questions पे कट ऑफ जनरल का क्लोज हुआ है. सो आइडियली यू हैव टू सॉल्व 15 to 20 questions. अभी द मेन चीज इज टाइम मैनेजमेंट. सो गाइज, देर इज नथिंग एनी मंत्रा टाइप. आपको कोई मंत्र नहीं मिलेगा कि जिससे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो. 24 hours के 20-30 hours आप नहीं कर सकते. सो आपको आपके पास जितना टाइम है उसी में से एडजस्ट करके स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इन 70 डेज यू कैन क्लियर द IPM इफ़ यू स्टडी सीरियसली, इफ यू वर्क हार्ड. एंड अगेन, इट इज़ नॉट ऑन हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, इट इज़ ऑन हाउ यू स्टडी. व्हाट वॉज योर स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें आपकी सिलेक्शन जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है. एंड अगेन, there is no specific timetable or there is no any mantra that will help you. So please guys, I would suggest you don't run for the shortcuts. Please don't run for the easy ways of preparation. Preparation to hard hogi hogi, aapko wo karna hai. So all the best for your exam. Milte hain agle video mein with verbal strategy.
बेस्ट ऑफ लक. Until then, please subscribe to the channel. So I hope that you got some insights from the video. And yes, to summarize everything, I would say कि 70 days में आपका exam clear करना बिल्कुल possible है, but you have to study smartly. ठीक है? इस video के अंदर जो भी आपको topics बताए गए हैं, you can take a note of them and make sure कि आप उनको पहले अच्छे से कर लो. जिनकी coaching नहीं है, वो लोग भी बिल्कुल prepare कर सकते हैं through YouTube वगैरह. एंड आजकल जो भी आप टॉपिक लिखते हो सबका आपको वीडियो मिल जाएगा. अगर आप चाहो तो आप यू नो कुछ भी कर सकते हो विदाउट कोचिंग ऑल्सो. एंड इफ़ यू वॉन्ट अ कोचिंग देन वी ऑल्सो प्रोवाइड अ कोचिंग जिसके अंदर आपको प्रॉपर वीडियोज़ मिलती हैं, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो. आपको यू नो स्टडी मटेरियल मिलता है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई अस योर यू नो सीनियर्स फ्रॉम IIM. एंड आपको 5 मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लस यू गेट अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू गेट लाइव सेशन विद मी यू नो वीकेंड्स के ऊपर. तो अगर आप चाहो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो बिना कोचिंग के भी आप इसको कर सकते हो. बट यू नो मेहनत आपको करनी है एंड इट इज़ ऑल अप टू यू. हमने आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दे दी है, आपको एक दिशा दिखा दी है, लेकिन इसके ऊपर इस रास्ते के ऊपर चलना आपको ही है. ठीक है? सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक इट. एंड वीडियो के नीचे कमेंट करना अगर कोई और आपको डाउट हो, कोई और टॉपिक आप चाहते हो जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं. सो वी विल ट्राई आर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. That is it for today's video. I hope you liked it and I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.